देखिए, वोट जिहाद कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से झूठ का एक ट्रेंड चला है, राहुल गांधी इस प्रकार का बयान देते हैं कि आप हमें वोट दें, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा, ये वोट जिहाद है। और वोट जिहाद इसका असर लोगों के ऊपर पड़ता है, झूठ बोल करके वोट ले लेना और फिर लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देना, ये वोट जिहाद है, उनको प्रलोभन दे करके वोट लेना, ये कांग्रेस की फितरत के अंदर रहा है। और अभी पिछले दिनों आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि हम गारंटी देते हैं कि हम ये देंगे, हम गारंटी देते हैं, हम वो देंगे, ये वोट जिहाद है। और इसके साथ साथ लोगों के हित के ऊपर कुठाराघात करना, अभी पिछले दिनों राजस्थान की मैंने जो चर्चा की है, राहुल गांधी साहब मंच के ऊपर बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, ये वोट जिहाद है। और वोट जिहाद के कारण लोगों को भुगतना पड़ता है, मैंने उसकी चर्चा की है। 4000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, 16,500 किसानों की भूमि कुरुक कर दी गई, ये उसका गलत इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा है, इस बात से हमने बचना चाहिए। और अब ये झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी साहब ने एक और झूठ बोल दिया कि आप हमें वोट दो, गरीबों के खाते के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचा देंगे, ये 50 लाख करोड़ रुपया बनता है, और 46 लाख करोड़ रुपए का देश का बजट है,